हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कंप्लीट फूड वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने एक नेवबार क्रिएट किया है जिसमें कुछ टेक्स्ट है, मेन्यू, ऑफर, रेस्टोरेंट, और जिस पर हमने होवर इफेक्ट भी लगाया है। देन हमारे पास मिडिल में बर्गर किंग का एक लोगो है, और देन उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट है फॉर आइटम अवेलेबिलिटी। देन हमारे पास दो बटन है, साइन अप और लॉग इन, जिस पर हमने होवर इफेक्ट लगाया है। देन हमारे पास आप देख सकते हो ये बड़े बड़े 4 कार्ड्स है। देन उसके नीचे हमने बेसिकली ऐप बनाया जिससे आप बेसिकली सिंपली स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप को। देन हमने लास्ट में बनाया एक फूटर। तो आप देख सकते हो हमने कंप्लीट एक वेबसाइट बनाई है, फूड वेबसाइट बनाई है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले हम एक नेवबार बनाएंगे, इसीलिए हम एक नेव टैग लेंगे। नेव टैग में हम सबसे पहले H4 लेंगे बेसिकली, क्योंकि H4 इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमें जो फॉन्ट दिखाना है, थोड़ा फॉन्ट की साइज़ थोड़ी बड़ी दिखाना है और थोड़ा फॉन्ट मोटा दिखाना है, इसलिए हम H4 ले रहे हैं। देन हम एक इमेज टैग लेंगे। आप देख सकते हो एक मिडिल में हमारे पास बर्गर किंग का लोगो था, देन एक और H4 और एक P टैग, और दो बेसिकली हमारे पास बटन्स होंगे। तो हम यहाँ पर दो बटन ले लेंगे। देन अब इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से मेन्यू को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हम मेन्यू को कॉपी कर लेंगे और H4 में हम बेसिकली पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफर्स। देन हम यहाँ लिखेंगे रेस्टोरेंट्स। इसी तरीके से हम पूरा टेक्स्ट H4 में लिख देंगे। देन बेसिकली हमारे पास आती है इमेजेस। तो यहाँ पर हम लोगो, जो हमारा लोगो है बर्गर किंग का, वो रखने वाले हैं, और सभी इमेजेस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और burger.png जो हमारा लोगो है, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन यहाँ से हम फॉर आइटम अवेलेबिलिटी, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। देन P में हम लिख देंगे चूज़ योर लोकेशन। देन हम बटन बना लेंगे दो, साइन अप और लॉग इन, दो बटन होंगे हमारे पास लॉग इन। तो आप देख सकते हो जो नेवबार का काम था बेसिकली HTML का, वो कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करेंगे और इसकी क्लास देंगे CRD, और एक और डिव कर रहे क्रिएट जिसकी क्लास होगी कार्ड, और एक इमेज टैग होगा हमारे पास, और बेसिकली एक H2 और एक P टैग। तो H2 में हमारे पास थोड़ी सी हेडिंग आएंगी और P टैग में पैराग्राफ आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सॉरी, मैं यहाँ से काट देता हूँ। इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, और इस पैराग्राफ को भी हम कॉपी कर लेंगे, और P टैग में पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, इसके पूरा कार्ड डिव को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली मैंने गलती से 3 बार पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें 2 ही कार्ड चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो 2 कार्ड ऊपर है, 2 कार्ड नीचे। अब मैं क्या करूँगा, पूरे CRD डिव को कॉपी कर लूँगा और उसको एक और बार पेस्ट कर दूँगा। क्यों, क्योंकि 2 कार्ड ऊपर है, 2 कार्ड नीचे है, तो हमारा रियूजेबल ऑफ कोड हो जाएगा। यहाँ से मैं इमेज के लिंक को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन इसी तरीके से इस इमेज के लिंक को भी कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। देन यहाँ से हम थर्ड इमेज लेंगे बेसिकली, इस इमेज को भी हम इमेज टैग में पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर हम फोर्थ इमेज, बेसिकली जो हमारी फोर्थ इमेज होने वाली है, इसे भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन बेसिकली हमने सभी कार्ड्स का काम कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाहर हम एक डिव क्रिएट कर रहे हैं जिसकी क्लास होंगी ऐप, और उसके अंदर एक और डिव होगा जिसकी क्लास होंगी मॉब। तो बेसिकली मोबाइल को हमने शॉर्ट फॉर्म में मॉब लिखा है, जिसमें इमेज टैग होगा, और इस इमेज टैग में हम इस, आप देख सकते हो, मोबाइल फ़ोन की इमेज को पेस्ट कर देंगे। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे हम, और एक और ड्यू क्रिएट करेंगे बेसिकली जिसकी क्लास होंगी टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास बेसिकली
H1 होने वाला है और एक बटन होने वाला है जिसमें ऐप स्टोर लिखा होगा और कुछ पैराग्राफ होगा। तो इन टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से और पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ से सेव H1 के अंदर पेस्ट कर दूंगा टेक्स्ट को, और हम यहाँ से थोड़ी जो स्पेस दिख रही है अननेसेसरी इसको हटा लेते, दैट्स फाइन। देन यहाँ से हम बेसिकली इस P टैग को, पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम P टैग में पेस्ट कर दें। कुछ इस तरीके से हमने P टैग में पेस्ट कर दिया और जो टेक्स्ट था बेसिकली वो भी कंप्लीट हो चुका है ऐप वाला। देन हम लास्ट में क्रिएट कर रहे हैं फूटर, तो बेसिकली हम एक ड्यू बना रहे जिसकी क्लास दे रहे फूटर, और उसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होंगे लिस्ट, उसके अंदर एक H2 होगा और हमारे पास हम कुछ P टैग्स ले लेंगे, है ना, कॉपी कर लेंगे P टैग्स को और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। और इस लिस्ट ड्यू को, इस लिस्ट ड्यू को कॉपी कर लेंगे और हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने लिस्ट ड्यू को कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली जो टेक्स्ट है फूटर में उन टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जो बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट है फूटर में, उस टेक्स्ट को हम कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे वन बाय वन। देन हमने अबाउट वीक को भी कॉपी किया, देन हम पेस्ट कर देंगे, और इसी तरीके से हम पूरा टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, आप देख सकते हो। और हम क्या करेंगे, हम ओपन विथ लाइव सर्वर, और हम देखेंगे कि हमारा सिर्फ HTML कुछ किस तरीके से दिख रहा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ HTML कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी इमेजेस साइज़ बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो फॉन्ट का कोई अलाइन नहीं है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया टैग ले रहे हैं और इसके हम डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। सबसे पहले हम नैव बार को डिज़ाइन कर रहे हैं, और जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, देन जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस अराउंड। तो बेसिकली यार इससे क्या होंगी, सभी चीज़ें एक लाइन में आ जाएगी, सेंटर में होंगी, और सभी को लेफ्ट राइट और मिडिल से स्पेस मिल रहा होगा। देन जो कलर है, बेसिकली हम यहाँ पर चॉकलेट को थोड़ा डार्क कर देंगे, तो बेसिकली जो कलर होगा टेक्स्ट का वो चॉकलेट लाइट, डार्क चॉकलेट हो जाएगा। देन हमारे पास नैव में जो इमेज है उसकी विड्थ देंगे हम यहाँ पर 5%, नैव के अंदर जो हमारे पास इमेज है। और अब हम क्या करेंगे, जो नैव है हमारे पास उसको मार्जिन टॉप से 26 पिक्सल दे रहे, और जो नैव के अंदर इमेज है, नैव के अंदर जो इमेज है उसे माइनस मार्जिन टॉप से -16 पिक्सल, तो माइनस से क्या होगा, उल्टा वो ऊपर जाएगी, है ना, उल्टा ऊपर जाएगी। और नैव में जो बटन्स है, हमारे पास दो बटन है, तो उनको भी हम यहाँ पर डिज़ाइन दे रहे हैं, उनकी विड्थ दे देंगे हम 100 पिक्सल, देन हाइट दे देंगे हम 25 पिक्सल हाइट, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होगा, बेसिकली बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और जो कलर होगा बेसिकली वाइट होगा, मींस जो टेक्स्ट कलर होगा वो वाइट होगा, और बॉर्डर नन, मींस हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर दे देंगे 22 पिक्सल का, जिससे कि ज़्यादा राउंडेड दिखे हो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बटन दिख रहे, और बेसिकली हमें यहाँ पर जो हाइट है, हाइट को यहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा, 35 कर देंगे हम, तो थोड़ी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। और फॉन्ट साइज़ हम यहाँ लिख देंगे 17 पिक्सल फॉन्ट साइज़ होगा बटन का। तो आप देख सकते हो हमारे बटन कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। और बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि जो हाइट है ना हमारी, इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा, जो हाइट है ना उसको हम 33 कर देंगे, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, और विड्थ को भी हम 90 कर देंगे, एंड डेट इज़ फाइन। और मार्जिन टॉप से हम -3 पिक्सल दे देंगे, जिससे उल्टा ही थोड़ी ऊपर जाएगी, है ना। और अब क्या करेंगे हम, नैव में हमारे पास जो H4 है ना, जो H4 है उनको फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 18 पिक्सल की, 18 पिक्सल की फॉन्ट साइज़ दे दे रहे। और नैव में जो बेसिकली H4 है उस पर हम होवर इफ़ेक्ट भी लगा रहे, तो जैसी मैं होवर करूँ तो बॉर्डर आ जाए बॉटम में, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड चॉकलेट, चॉकलेट कलर लेंगे यहाँ पर, और उस चॉकलेट कलर को ज़्यादा हम सेट कर देंगे। इस तरीके से हम सेट कर दिए चॉकलेट कलर को, और कर्सर पॉइंटर मींस एक हैंड का आइकन हमें बना हुआ आ जाए। देन हमें बटन पर भी होवर इफ़ेक्ट लगाना है, तो हम जैसी बटन पर होवर करें,
जैसे ही हम बटन पर होवर करें तो बैकग्राउंड कलर हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इससे क्या होता है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड कलर रहेगा वो आपको दिखेगा और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड चॉकलेट हो जाएगी। तो इस चॉकलेट को हम थोड़ा डार्क चॉकलेट बना लेते हैं, डार्क चॉकलेट बना लेते हैं और इस कलर को मैं कॉपी कर लूँगा। इस कलर को कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पर कलर लेंगे और कलर में हम पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जैसे ही हम होवर करेंगे जो हमारा टेक्स्ट है चॉकलेट कलर का आ जाएगा और बॉर्डर भी चॉकलेट कलर की आ जाएगी। नेओ में हमारे पास है पी टैग बेसिकली, जिसे हम मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल दे देंगे। देन हमारे पास CRD है बेसिकली, हम अब कार्ड की तरफ बढ़ रहे तो हम डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो जिससे क्या होगा कि यार फ्लैग्स से ना एक लाइन में आ जाएंगे और जो चीज़ है वो सेंटर में आ जाएगी, जैसे टेक्स्ट भी सेंटर, इमेज भी सेंटर और स्पेस अराउंड, उन्हें लेफ्ट राइट और मिडिल से कुछ स्पेस मिल रहा होगा। देन CRD के अंदर हमारे पास एक कार्ड हमने क्लास दी थी, उसका हम बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट और विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर आई थिंक 500 पिक्सल दे देते हैं। और हमारे पास CRD है, CRD के अंदर हमारे पास कार्ड है और कार्ड के अंदर है इमेज टैग, है ना, इमेज टैग। तो इमेज टैग को हम विड्थ दे देंगे यहाँ पर 100% विड्थ दे देंगे, 100% विड्थ दे देंगे। देन अब क्या करेंगे, हम बॉडी लेंगे बॉडी टैग और बॉडी टैग को बैकग्राउंड कलर दे देंगे एंटिक वाइट, है ना, एंटिक वाइट। तो थोड़ा सा ये एंटिक वाइट हल्का शेड में आता है, वाइट नहीं रहता ये। तो पूरा बॉडी मतलब पूरा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो अलग, ये देखिए पूरा बैकग्राउंड कलर अलग हो गया और जो हमारे आप कार्ड्स देखते देख सकते ये अलग हो गए। तो इन कार्ड्स को हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से दे देंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे कार्ड्स 33 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस भी देना है हमें, हम क्या करेंगे इन्हें बॉर्डर रेडियस दे देंगे। तो मैं इमेज को भी बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 6 पिक्सल की। देन जो हमारा कार्ड है इसको भी हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे। आप देख सकते हो कि थोड़ा राउंडेड आ गए जिससे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देन हमने कार्ड को कंप्लीट कर लिया, देन हमारे पास ऐप वाले सेक्शन को क्रिएट करना बाकी है। तो बेसिकली जो हमारे पास ऐप क्लास थी उसको मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि इमेज और टेक्स्ट एक ही लाइन में आ जाएगा। हमने कुछ इस तरीके से HTML दी है कि हम बहुत सिंपली उसे CSS दे सके और सेंटर में आ जाए और उन्हें थोड़ा स्पेस मिले एक दूसरे से। देन बैकग्राउंड कलर जो होने वाला है हम एंटिक वाइट देंगे उसका भी, लेकिन इसको ना हम थोड़ा डार्क कर देंगे, थोड़ा डार्क कलर बना देंगे बेसिकली, तो इसका कलर थोड़ा हटके दिखेगा। और ऐप के अंदर हमारे पास है मॉप क्लास बेसिकली, मॉप क्लास और उसकी हम विड्थ दे देंगे मॉप क्लास और इसकी विड्थ होंगी 55% बेसिकली विड्थ होने वाली है इमेज की। बेसिकली ऐप के अंदर है मॉप, मॉप के अंदर है इमेज, उसकी विड्थ है 55% और ऐप के अंदर है हमारे पास टेक्स्ट और टेक्स्ट में है H1, जो टेक्स्ट है H1 उसका हम कलर दे देंगे बेसिकली चॉकलेट और इसे डार्क चॉकलेट हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से डार्क चॉकलेट। देन जो फॉन्ट साइज़ होने वाला है 44 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ होगा और ऐप के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है, ऐप के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है और टेक्स्ट में जो बटन है हमारे पास, तो उसकी विड्थ हम 160 पिक्सल दे रहे हैं और हाइट दे रहे हैं हम 40 पिक्सल और कलर दे देंगे हम उसका वाइट, कलर वाइट होगा बेसिकली और बैकग्राउंड कलर ब्लैक देंगे हम, बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। देन बॉर्डर बेसिकली बॉर्डर नन चाहिए और बॉर्डर रेडियस हम बहुत कम देंगे बेसिकली आई थिंक 4 पिक्सल दे देते कि हल्का सा राउंडेड आ जाए। देन फॉन्ट साइज दे देंगे हम, फॉन्ट साइज दे देंगे 20 पिक्सल की फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा और मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल दे देंगे जिससे बटन थोड़ा नीचे आ जाएगा। देन हमारे पास टेक्स्ट है और टेक्स्ट में आप देख सकते हो एक पी टैग भी था, है ना, पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ।
तो इस पैराग्राफ को भी हमने मार्जिन टॉप से दे दिया, और बेसिकली मैं क्या करूँगा, ऐप को मार्जिन टॉप से दे देंगे 55 पिक्सल, और 55 पिक्सल दे देंगे, और जो बेसिकली इमेज है उसको हमने 65% बढ़ा दिया बेसिकली, तो आप देख सकते हो नीचे आ चुका है। और जो हमारा H1 है ना, इसको हमने 85 कर दिया, देखिए और नीचे आ चुका है। लेकिन हम क्या चाहते हैं जो H1 है वो थोड़ा नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे बेसिकली 22 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे। पैडिंग दे दी हमने 22 पिक्सल की, देन पैडिंग देने के बाद 22 पिक्सल की हम जो H1 है हमारा बेसिकली, और हमारे पास जो टेक्स्ट है बेसिकली, हमारे पास एक टेक्स्ट क्लास दी थी, तो हम उसको मार्जिन टॉप से दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जिसमें हमारा H1 है, बटन है, वो सभी के सभी थोड़ा नीचे आ जाएंगे। आप देख सकते हो नीचे आ चुके कुछ इस तरीके से। देन हमें लास्ट में क्रिएट करना है फूटर, तो जो हमने क्लास दी थी फूटर उसे हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो बेसिकली एक ही लाइन में चीज़ें आ जाएगी, सेंटर में होंगी और सभी को स्पेस मिल रही होंगी लेफ्ट राइट और मिडल से। जो कलर होगा बेसिकली बैकग्राउंड कलर, वो हम डार्क चॉकलेट दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से, और जो कलर होगा वाइट होगा, कलर वाइट होगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर वाइट के बाद उसमें कुछ पैडिंग भी ऐड कर रहे होंगे, 33 पिक्सल की पैडिंग होगी, और मार्जिन टॉप से हम 44 पिक्सल दे रहे होंगे, जिससे जो हमारा पूरा फूटर है ना, देखिए आप 44 पिक्सल नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो हमने कंप्लीट फूटर भी क्रिएट कर लिया है। देखिए आप देख सकते हो हमने कंप्लीट नया बार क्रिएट कर लिया है, जिस पर हमने होवर इफेक्ट भी लगाया और जो कि फुली काम कर रहा है। देन आप देख सकते हो हमने जो बटन पर होवर इफेक्ट लगाया है वो भी पूरी तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो साइन अप लॉग इन, देन हमने जो बेसिकली कार्ड्स क्रिएट किए हैं जो कि एकदम एक्यूरेट क्रिएट किए हैं हमने, देन हमने ऐप वाला सेक्शन भी कंप्लीट क्रिएट कर लिया है, और जिसमें आप देख सकते हो कि हमने थोड़ा डिफरेंट कलर दिया है। देन उसके बाद हमने कंप्लीट फूटर क्रिएट कर लिया है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस यार वीडियो को लाइक करें। अगर अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आने वाला है कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें।